नमस्कार, आप सभी का इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं, जो भी संबंधित महाविद्यालय के हैं, जो भी मेन कैंपस के छात्र हैं, उनसे बहुत ज़रूरी बातें करनी थी, बहुत आवश्यक बातें थी। आपकी परीक्षाएं जो है, जैसा भी होगा, अभी जो चीज़ें चल रही हैं विश्वविद्यालय में कि अप्लीकेशन फॉर्म को आप सबमिट करिए, उसके बाद जो निर्णय होगा बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। लेकिन उसके बीच आपको कुछ बातें बताना बहुत आवश्यक हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये परीक्षाएँ आपके जीवन को नहीं डिसाइड कर सकती हैं, ये सिर्फ आपको एक डिग्री दिलाएगी। इसके आगे भी आपको जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं को देना होगा, तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा। चीज़ें ये आने वाली हैं कि अब बहुत समय नहीं बचा है, मुश्किल से 1.5 से 2 महीने बाद आपकी परीक्षाएं हैं, तो उसके लिए हम किस तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे हैं, ये बहुत ध्यान देना बहुत आवश्यक है। सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन आपकी पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे मेन चीज़ आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। इस समय आज मान लीजिए कि 4 से 5 तारीख हो चुकी है, इसके बाद 22 अप्रैल से आपकी परीक्षाएं, जैसा कि कहा गया है कि 22 मार्च के बाद 1 महीने का समय बढ़ाया जाएगा, तो मोटे मोटे तौर पे हमारे पास 1 महीने 20 से 15 दिन का समय है, 1 महीने 15 दिन यानी 1.5 महीने का समय है। इन 1.5 महीने में हमने जो ऑनलाइन पढ़ाई की है, ऑनलाइन के साथ साथ सारी क्लासेज जब ऑफलाइन चल रही हैं 14 फरवरी से, तो बहुत सारे विषयों की जो सारे विषयों की तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर विषयों की जो क्लासेज हैं वो शुरू से अपने सिलेबस को पढ़ा रहे हैं। ऐसा मेरी जानकारी में बहुत सारे विभागों के विभाग अध्यक्षों से बात हुई है, टीचरों से भी बात हुई है, तो वो अपने सिलेबस को शुरू से पढ़ा रहे हैं, एकदम इनिशियल स्टेज से पढ़ा रहे हैं। यही समय है जहाँ पे आपको सारे काम को छोड़ करके, परीक्षाएं तो आपको देनी ही हैं, सारे काम को छोड़ करके अगर 1.5 महीने आप सीरियस तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं तो पूरे साल भर की मेहनत आपकी सफल हो जाएगी। और आपको ये भी बहुत ध्यान देना होगा कि सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट है वो फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में आप परीक्षा दे रहे हैं, प्रमोशन आपका हुआ था, तो 2 साल का रिजल्ट 1 साल पर निर्भर करेगा। थर्ड ईयर वालों का जो 3 साल का रिजल्ट है वो 1 साल पर निर्भर करेगा। तो बी सीरियस, बी पॉजिटिव, बहुत सीरियस होकर आपको पढ़ाई करनी है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। एडमिशन आपने लिया है, एडमिशन से लेकर के परीक्षाओं तक का सफ़र मैं आपको तय करवाऊंगा, ये मैंने पहले भी बता दिया था। कैसे भी स्थिति रहे, आपको जो भी मटेरियल होगा, जो भी अपनी तरफ से जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा, या और भी बेहतर लोग के सामने आपको लेकर आके आपकी सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से कवर करवाया जाएगा। आपका काम है सिर्फ पढ़ना। आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ से ज़रूरी बात ये ध्यान देनी है कि जितना भी सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है डेली आप उतना कवर करिए, बहुत एक्स्ट्रा मत करिए। आप मान लीजिए कि आज एक सवाल पढ़ाएगा तो आप एक ही सवाल को जाके कमरे पे तैयार करिए। अपनी राइटिंग स्किल को आप थोड़ा सा मेंटेन करिए, क्योंकि परीक्षा में लिखने पर ही नंबर मिलेगा, आप बेहतर लिखेंगे और बेहतर नंबर पाएंगे। और ज़रूरी बात यह है कि सादी कॉपी पे लिखने की आदत डालिए, यानी प्लेन कॉपी पे आप लिखने की आदत डालिए, आप लाइनिंग वाली कॉपी पे ना लिखिए, क्योंकि आप 2-2 साल से लिखे नहीं हैं। तो ज़रूरी बात यह है कि जितना पढ़ाया जा रहा है बहुत एक्स्ट्रा ना पढ़िए। जो भी आपके क्लासेज हैं आप क्लासेज को परमानेंटली रेगुलर अटेंड करिए। मान लीजिए कि जिसका, देखिए जो मेरा सब्जेक्ट है मैं उसी की बात अभी कर रहा हूँ, फिलॉसफी जिसका सब्जेक्ट है, ऋषिक आंसर की अगर आप क्लास करते हैं तो 3 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास वो संडे को भी ले रहे हैं, लगातार उनकी क्लासेस चल रही हैं। आप किसी भी सेक्शन के विद्यार्थी हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप एक ऐसे टीचर को पकड़िए जो आपके सिलेबस को पूरी तरीके से कवर करवाने की क्षमता रखता है। विभागों में ऐसे ऐसे आपके अध्यापक हैं, तो कोशिश ये करिए कि आप उनकी क्लासेस को परमानेंट डेली अटेंड करिए। जितना पढ़ा रहे हैं उतने का आप नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद आप घर पे जाके सिर्फ उतना ही रिवाइज करिए। मैं आपको अलग से कुछ नहीं कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि ये समय ऐसा है, परीक्षा के पहले 2 महीने पहले सब पढ़ना शुरू करते हैं, अब वही समय आपके पास आ चुका है, एकदम आप अंतिम छोर पे खड़े हैं, इसके बाद सीधे सीढ़ी आपकी परीक्षा की है। तो कोशिश आपको ये करना है कि एकदम अच्छी तरीके से, स्ट्रैटेजिक तरीके से अपने गोल पे पूरा फोकस करना है। परीक्षा के लिए ज़रूरी ये होता है कि आप अपनी राइटिंग स्किल को मेंटेन करिए, क्योंकि आप जितना भी पढ़ाई करेंगे उसमें लिखने पर ही आपको नंबर मिलेगा। आप जितना बेहतर लिखेंगे उतना ही बेहतर आप नंबर पाएंगे, चाहे वो BSc के विद्यार्थी हों, चाहे वो BCom के विद्यार्थी हों, चाहे वो BA के विद्यार्थी हों, लिखने के ऊपर आपको नंबर मिलता है। यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थितियाँ हैं, और बहुत अच्छी तरीके से मार्किंग होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टली मार्किंग भी नहीं होगी, क्योंकि आपके अध्यापक भी जान रहे हैं कि आपकी पढ़ाई का कैसा क्या रहा है। तो कोशिश ये करना है, आज आपसे बातें सिर्फ यही करनी थी कि सारे कामों को छोड़ करके अगर आप एक छात्र हैं तो छात्र का प्रथम कर्तव्य होता है अपनी पढ़ाई को पढ़ना। आप डेली 3 से 4 घंटे जितना आप अपनी पढ़ाई पे समय देते हैं, अगर आप उतना सीरियस होके ईमानदारी के साथ अगर अपनी पढ़ाई के साथ न्याय करेंगे तो भगवान भी आपके साथ अन्याय नहीं करेगा। ये परीक्षा है, परीक्षा किसी भी स्तर की हो, आपको परीक्षाओं को फेस करना आना चाहिए, ये जीवन का एक चरण है। अभी जैसे भी होगा सर्वसम्मत से जो निर्णय लिया जाएगा आपके हित में ही निर्णय लिया जाएगा, लेकिन कोशिश आपको ये बतानी थी, आज का जो मैसेज है मेरी तरफ से ये है कि आप जितना पढ़ाया जा रहा है, हफ्ते में 6 दिन क्लासेज चल रही है, 6 दिन आप क्लास करिए,
आपकी जो क्लासेज नहीं चल रही, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, आपकी क्लासेज चलेंगी। तो इस वजह से आप क्लासेज को करते रहिए, जो क्लासेज आपकी नहीं चल रही हैं आप उनके टाइमिंग लिख दीजिए, सब्जेक्ट लिख दीजिए, टीचर का नाम लिख दीजिए, वो आपके सही डिपार्टमेंट के HODs को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, वहाँ पे आप डिपार्टमेंट अपने स्तर से देखेगा। लेकिन जितना डेली पढ़ाया जा रहा है उतना आप डेली पढ़िए, जितना डेली लिखाया जा रहा है उतना आप डेली लिखिए। आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक होगी, आपके पास आपकी सीरीज होगी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी सीरीज आती हैं, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सीरीज से ही पढ़िए, लेकिन जितनी भी अध्ययन की सामग्री हो आप उसको पढ़िए, आप किताबों को पढ़िए, क्योंकि एक किताब को 10 किताबों को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को आप 10 बार पढ़िए। जितना आप किताब में पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी राइटिंग स्किल मजबूत होगी, और जितना ज़्यादा आप राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तरीके से आप राइटिंग को कर पाएंगे। लिखने की शैली को मजबूत करिए, जितना पढ़ाया जा रहा आप उतना सिर्फ पढ़िए, सिर्फ उतना ही मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आपसे। आप एक्स्ट्रा कुछ मत करिए। एग्जाम के 15 दिन पहले 20 दिन पहले आपको क्या करना है मैं आपको गाइड करूँगा, ये मेरी बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मानने ना मानने की इच्छा आपकी है। नीति शास्त्र ये कहता है कि यहाँ से जो बातें बताई जाती हैं, कोई भी व्यक्ति जो भी बातें बताता है उसको मानने ना मानने का अधिकार आपको है, तो इसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। जितना भी मुझसे हो पा रहा है मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ। डेली क्लासेज को अटेंड करिए, क्लासेज प्लीज़ बंक ना करिए, बहुत अच्छी तरीके से क्लासेज अगर चल रही हैं तो आप क्लासेज को करिए। किसी ऐसे प्रोफेसर की क्लास करिए जो आपको संतुष्ट कर सके, जो जिसकी पढ़ाई आपको समझ में आती हो। कोई प्रोफेसर, कोई टीचर, ये जरूरी नहीं कि आप उसके सेक्शन के विद्यार्थी हो तभी आप उनकी क्लासेज करिए, कोई भी टीचर रोकता नहीं है, सारे टीचर की आप क्लास कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितना पढ़ाया जा रहा है उतना डेली आप नोट्स बनाते रहिए, नोट्स के साथ साथ आप उसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अब आपकी परीक्षा की तैयारी चल रही है। 1 से 1.5 महीने आप जो पढ़ेंगे वही आप सीधे परीक्षा में जाके लिखेंगे, अब अलग से आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, इसी समय आपकी तैयारी चल रही है। तो बातें बहुत आवश्यक हैं, कोई भी समस्या अगर आपको होती है तो कोशिश ये करिए कि आप नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन है आप उसमें पूछ सकते हैं, लेकिन यही करिए कि आपके साथ हर एक स्तर से मैं खड़ा हूँ, हर एक स्तर के साथ आपके साथ हूँ। पढ़ाई में अगर कोई भी समस्या आपको होती है तो वो मैं जानता हूँ आपको क्या समस्याएं होती हैं, वो सारी समस्याओं का निदान भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, खूब व्यस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।